DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। कल के जो आप लोगों के पास उपलब्ध जानकारी है उसमें दो मरीजों का और इजाफा हुआ है। दोनों छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल का बालक है और 9 साल की लड़की है। और सौभाग्य से या कुछ भी कहें, उनका जो पिता है वो नेगेटिव है, लेकिन चूंकि उन दोनों बच्चों को रहना पड़ेगा हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से, तो इसलिए हम उनके पिता की भी छुट्टी नहीं कर रहे हैं और उनको हम हमारे पॉजिटिव वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। इस तरीके से ये थोड़ी एक समस्या तो है, लेकिन हमें तो मरीज़ भी देखना है, बीमारी भी देखनी है, लोगों की भावनाएँ भी देखनी है, सब चीज़ देखनी है। तो उस लिहाज से हमने ऐसा किया है कि वो दोनों बच्चों को और पिता को अलग एक वार्ड में रखा है, और फिर जब वो लोग डिस्चार्ज होंगे तो पिता का भी हम दोबारा टेस्ट करेंगे, और वो अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसको भी फिर वैसा एक्स्ट्रा रोकना पड़ेगा। अब जो भी है, जैसा भी, हम संभालेंगे। जहाँ तक आपका सवाल है कि हम क्या दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ वही हैं जो पूरी दुनिया में इसके लिए काम ली जा रही हैं। पूरी दुनिया से मेरा मतलब ये है कि जो हमारे पास उपलब्ध दवाइयाँ हैं, रिसर्च बहुत चल रही है कि ये फलानी दवा काम आ सकती है, ये वाली दवा काम आ सकती है, ये भी काम आ सकती है, लेकिन जो उपलब्ध दवाइयां हैं और जो वेल प्रूव्ड दवाइयां हैं वही हम काम ले रहे हैं। इस दवाइयों के साथ साथ मरीज की मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी। सिम्टोमेटिक हैं या माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं, अमूमन तौर पर ऐसे लोग कभी अस्पताल में भर्ती नहीं होते हैं। जिसको कोई तकलीफ़ नहीं है वो आदमी भर्ती क्यों होगा, लेकिन चूंकि कोरोना पॉजिटिव है इसलिए उसको सोसाइटी से अलग रखना है, इसलिए उन्हें भर्ती किया गया है। तो ऐसे मरीज़ की मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई होती है। बिगड़ी से मतलब ये कि उसको आसानी से ये चीज़ पैलेटेबल नहीं होती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मुझे भर्ती क्यों किया आपने, ये हमेशा हमसे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन उनको भर्ती करना इसलिए ज़रूरी है, भर्ती करना क्योंकि वो मरीज़ दूसरे सोसाइटी में दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना करे। तो ऐसी स्थिति में हम उनको भर्ती करते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए, हम उनका टाइम पास करने के लिए या उनको थोड़ा बिजी रखने के लिए हम उनको थोड़ा म्यूज़िक वगैरह की व्यवस्था करते हैं। हम उनके लिए, आजकल सब लोगों के पास मोबाइल है, यूजुअली सारे लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल में अपना टाइम पास कर लेते हैं वो लोग, नहीं है तो वार्ड में म्यूज़िक वगैरह की व्यवस्था करते हैं। छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज भी कराते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि एक्सरसाइज करोगे तो आप लोग जो दिन भर इसी वार्ड में बैठे बैठे थक नहीं जाओ, आपको तकलीफ़ नहीं होगी, मन बहला रहेगा, ये सब चीज़ें एक्सरसाइज कराते हैं। वो योगिक एक्सरसाइजेज होती हैं और सामान्य पीटी जैसी एक्सरसाइजेस भी होती हैं। हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि आप ऐसी एक्सरसाइजेस करिए जिससे आपका टाइम भी पास हो जाएगा, शरीर में खून का दौरा भी ठीक रहेगा, भूख भी आपको ठीक लगेगी। वरना कोई आदमी सामान्य तौर पर अगर दिन भर एक बिस्तर पर पड़ा रहेगा तो उसको भूख भी नहीं लगती है और उसका मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। उन सब चीज़ों को हम सब टैकल करते हैं। उनमें हमारा स्टाफ हमें कॉपरेट करता है, हम स्टाफ को कहते हैं, क्योंकि उनको रियल सेंस में डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। उनको तो सिर्फ अपना एक टाइम निकालना है कि 10 दिन निकल जाएं, 14 दिन निकल जाएं, उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव हो जाए और वो अपने क्वारंटीन सेंटर या घर जाए, भी जैसी भी उनकी व्यवस्था, वो जा सकें। सिर्फ टाइम पास करने वाली बात। अब तक कितने कोरोना, आज इन दोनों लोगों को जोड़कर टोटल जो आंकड़ा है जनरल हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों का 315 का है, और हम आज फिर 7 रोगियों को कोरोना मुक्त करके क्वारंटीन सेंटर भेज रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है। इनकी जाने के बाद में एक्टिव केसेस हमारे पास में कुल 62 रह जाएंगे। 62